नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अपना जो सेल बायोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा था रेट लेवर प्रथम के अंदर, वो अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए उसका जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है उसके अंदर अपन देखते हैं कि कोशिका के आधार पर जीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक तो एक कोशिक जीव और दूसरा है बहुकोशिक जीव। बहुकोशिक जीव या बहुकोशिक जीव, अब देखो बहुकोशिक जीव तो जितने भी उच्च पादप है, उच्च पादप व जंतु, और इसके साथ आप याद रखोगे कवक, ये सभी क्या होते हैं? बहुकोशिक होते हैं। जबकि एक कोशिक जीव की अपन बात करें तो इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, वो अपन देखते हैं। जैसे अमीबा जो कि एक कोशिकीय होता है, जैसे यीस्ट वह भी एक कोशिकीय होता है, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास जो कि एक शैवाल है, क्लेमाइडोमोनास ये सभी क्या होते हैं? एक कोशिक जीव है। इन एक कोशिक जीव के आप उदाहरण ध्यान रखोगे अपने लेवल प्रथम के आधार पर। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा बहुकोशिक है या एक कोशिक जीव है। फिर अपन बात करते हैं कोशिका के अवयव या कंपोनेंट ऑफ सेल। अब देखिए कोशिका के अवयव की अपन बात करें, कोशिका के अवयव, अब देखो कोशिका के अवयव, कोशिका को अपन दो भागों में बांट देते हैं। एक तो हो जाएगा कोशिका की जो झिल्ली है या कोशिका भित्ति, उनको अपन को पढ़ना है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति। उसके साथ अपन को देखना है जीव द्रव्य, जिसे अपन बोलते हैं प्रोटो प्लास्ट, और ये जीव द्रव्य के अंदर एक तो है आपका केंद्रक और कोशिका द्रव्य साइटोप्लास्ट। इनका अपन को अध्ययन करना है। सबसे पहले अपन देखते हैं कोशिका झिल्ली को। अब देखो कोशिका झिल्ली की अपन बात करें तो जो सेल है उसके बाहर की जो परत है उसे अपन क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। और जब अपन पादप कोशिका की बात करेंगे तो सबसे बाहर वाली जो परत है या इस तरह है उसे अपन कहेंगे कोशिका भित्ति। अपन यदि बात करें एक जंतु कोशिका की तो सबसे बाहर वाली जो परत है उसे बोलते हैं अपन, जो आवरण है उसे अपन बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और इस कोशिका झिल्ली के अंतर्गत कोशिका द्रव्य भरा होता है, कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य के अंतर्गत एक दोहरी झिल्ली युक्त एक संरचना होती है जिसे अपन बोलते हैं केंद्रक। चलिए अपन सबसे पहले बात करें सेल मेम्ब्रेन की या कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली की, अब देखो कोशिका झिल्ली की अपन बात करें तो कोशिका झिल्ली एक सजीव परत है या सजीव क्या है? आवरण है। फिर देखिए जो कोशिका झिल्ली है यह पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, यानी जो कोशिका झिल्ली है यह किस में पाई जाती है? पादप सेल में भी पाई जाती है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका, दोनों में पाई जाती है, दोनों में उपस्थित।
फिर देखिए अपन कोशिका झिल्ली की अपन बात करें तो इसके अवयव क्या है, ये किसकी बनी हुई होती है, तो अपन को ध्यान रखना है जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली यह एक तो बनी होती है आपकी प्रोटीन, प्रोटीन प्लस लिपिड, मुख्यतः प्रोटीन प्लस लिपिड यानी वसा की बनी होती है। और इसके अलावा अन्य में अपन बात करें तो इसके अलावा होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये मुख्यतः इनकी बनी हुई होती है, यानी एक कोशिका झिल्ली है वह मुख्यतः प्रोटीन और वसा व कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। जैसे अपन एक उदाहरण की बात करें जैसे आरबीसी, तो आरबीसी के अंदर अपन देखें तो आपके जो प्रोटीन है वह होता है 52% और जो वसा होती है वह होती है 40%, और इसके अलावा जो अन्य तत्व है वह इसके अंदर उपस्थित होते हैं। मुख्यतः जो प्रोटीन है वह कितनी होगी 52% और वसा कितनी होगी 40%। यह अपन को ध्यान रखना है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन वसा वो कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अल्प मात्रा में होता है जो सेल से सेल को रिकॉग्नाइज यानी पहचान करने में इसकी भूमिका होती है। फिर अपन बात करते हैं कोशिका भित्ति की, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। अब देखो जो कोशिका झिल्ली थी वह तो थी एक सजीव परत, जबकि सेल वॉल है वह एक मृत परत होती है और यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अपन बात करें सेल वॉल की यानी कोशिका भित्ति की, तो यह एक मृत परत है यानी एक डेड लेयर है, मृत परत। अब देखो यह मुख्य तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में क्या होती है, अब्सेंट होती है। पादप कोशिका में पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में क्या होती है, अब्सेंट होती है। जंतु कोशिका वह एक जो प्रोकैरियोटिक सेल है जिसका उदाहरण अपन बोलते हैं पीपीएलओ, पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा, इसमें वो जंतु कोशिका में जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति है वह अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। फिर अपन बात करें सेल वॉल की यानी कोशिका भित्ति की, तो देखिए जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में यह कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यदि अपन बात करें कवक की, कवक कवक की अपन बात करें तो कवक की जो सेल वॉल है वह काइटिन की बनी हुई होती है। यदि अपन बात करें जीवाणु की, तो इसकी जो कोशिका भित्ति है वह एक तो बनी होती है म्यूरिन की, या अपन कह सकते हैं म्यूरिन या म्यूको प्रोटीन, म्यूकोपेप्टाइड सॉरी म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, या इसे अपन बोलते हैं म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड। यानी मुख्यतः जो सेल वॉल है वह जो आपके पादप कोशिका है उसमें पाई जाती है, जबकि पीपीएलओ वह जंतु कोशिका में क्या होती है, यह अनुपस्थित होती है। फिर देखो पादप कोशिका जो होती है सॉरी पादप कोशिका के अंदर जो सेल वॉल है वह किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। कवक में यह काइटिन की बनी होती है, जीवाणुओं में जो सेल वॉल होती है उसे अपन म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं। फिर अपन बात करें एक शैवाल की, शैवाल की जो सेल वॉल है लाइकेन या शैवाल, उसकी बनी होती है ग्लाइको, ग्लाइको प्रोटीन,
यानी जो शैवाल है उसकी जो सेलवॉल है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ये जो फैक्ट्स है वो अपन को ध्यान में रखना है। फिर अपन बात करते हैं कोशिकांग, यानी कोशिका में पाए जाने वाले अंगक की। तो देखो कोशिकांग को अपन कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं, तो इनको अपन तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले देखो कोशिकांग, कोशिका कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स। अब देखिए कोशिकांग की अपन बात करें तो इनको अपन तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, दोहरी झिल्ली वाले यानी जिन पर डबल मेम्ब्रेन हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद अपन बात करें तो जो लवक है वो भी क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं लवक। ये जो दोनों कोशिकांग है इन पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। फिर अपन बात करें एकल कोशिका की, एकल कोशिका की। तो देखो एकल कोशिका के अंतर्गत अपन देखें तो एक तो आपका आता है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। फिर अपन बात करें तो रिक्तिका, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद अपन बात करें तो उसके बाद जो कोशिकांग आते हैं वो होते हैं झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग। अब देखो झिल्ली रहित कोशिकांग इंपॉर्टेंट है, जैसे राइबोसोम, राइबोसोम और तारक केंद्र, तारक केंद्र। इन दोनों पर झिल्ली नहीं पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया और हरित जो लवक है उनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। गोल्जी काय, रिक्तिका, ईआर, इन सब पर क्या है एकल झिल्ली पाई जाती है। अब देखो इनमें सबसे पहले अपन कोशिकांग लेते हैं माइट्रो,